वाली एक विकलांग ने जिलाधिकारी के यहाँ रोजगार सेवक द्वारा उसे आवंटित हुए शौचालय के रुपए निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई और रुपए वापस दिलाए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद आंख से विकलांग यही वह पीड़ित है जिसका नाम राजपाल पुत्र श्री सरनाम सिंह निवासी ग्राम ब्रजपुरा विकास खंड सुल्तानगंज तहसील कुरौली है। पीड़ित ने यहां जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि उसके खेत में शौचालय बनवाने के लिए शासन की ओर से पहली किस्त 6000 रुपए डाली गई थी जिसको रोजगार सेवक सेवक राम द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके खाते में पहले से जमा शौचालय की आई 16000 रुपए की किस्त भी निकाली गई। जब पीड़ित को इस बात की जानकारी हुई तो पीड़ित ने रोजगार सेवक से धोखाधड़ी किए जाने की बात कही लेकिन रोजगार सेवक द्वारा पीड़ित के पैसे वापस नहीं किए गए। पीड़ित पैसे वापस लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगातार दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी सुनिए। कितने रुपए निकलवा लिए? 6000 रुपए, 14000 इन्होंने निकलवाए, 6000 उसमें मेरे भी थे, उन्होंने दिए ही नहीं। जिलाधिकारी से मिले आप, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जगह ही हम दोबारी करेंगे। तो मामला है किस गांव का? ग्राम ब्रजपुर का। किस तहसील अंतर्गत आता है गाँव?